अरे बाबा जी सरकार देते थे वो कूट के, जिसको किसी को कैंसर था, कैंसर होता, कैंसर का फोड़ा, किसी किस्म का मसाने में कैंसर, चेस्ट, उसका चेस्ट का कैंसर कैंसर, किसी किस्म के जो अंदर है फोड़े बन रहे हैं उसके ऊपर ये काम करती है। तरीकाकार इसका ये है जी कि इसको आप सुबह सुबह, ये गंदी है, साफ करके अच्छी तरह इसको कूट लें। कूटने के बाद ये पानी सुबह 4-5 चम्मच पिलाना है। बल्कि मैं, मेरे पास एक मरीज थे, 4 स्टेज पे थे, वो हमारे एक सैयदादी थी, तो उनके यहाँ पर कैंसर था अंदर, मुंह के अंदर दांत निकलवाया था, तो वो इन्फेक्शन फैल गया था जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया। वो 4 स्टेज से वापस 6 साल जिंदा रही हैं, और इसके पीने से ये कर्म हुआ है कि कभी उनको दर्द नहीं हुआ, वो खाना आराम से खाती थी, कभी उनको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यह है कि ये इसने इन्होंने हर पानी के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया है और बेताशा इस्तेमाल किया है। और जब पानी पीते थे तो वो इसके 2-3 चम्मच 4 चम्मच मिला के तो वो पानी पीती थी। उन्होंने अपनी रूटीन बना ली थी, और जिस मरीज़ा को डॉक्टर कहता था कि ये अभी 1 महीना नहीं निकालेंगी, बस आप इनको ले जाएं घर, वो लाइलाज थी। फिर मैं अपने बाजी सरकार के साथ उनके घर गया, वो सैयदादी थी, हमारी माँ थी, तो वो फिर माशाल्लाह 6 साल उसके बाद ये बूटी इस्तेमाल करने से, बरम डंडी, वो माशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी उन्होंने जी। बहुत शुक्रिया, आज की ये मालूमात थी जी कैंसर के ऊपर, बहुत शुक्रिया जी।